तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे आप वॉचलिस्ट ऐड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट अपनी कैसे ऐड कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, कैश की हो या फिर कमोडिटी की हो। तो इन सारी स्क्रिप्ट को कैसे ऐड किया जाता है और वॉचलिस्ट कैसे बनाया जाता है, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करना है और अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे नीचे जो वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। मैं सिंपल सा क्लिक करूँगा और इसमें कुछ एक नाम डाल दूँगा, जैसे मैं यहाँ पे सुल्तान डाल रहा हूँ। सुल्तान डाल दिया मैंने और सिंपल सा सबमिट कर दिया। मेरी वॉच लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद आपको, मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट आपको सर्च करना है, तो सिंपल सा आप सर्च वाले बटन में क्लिक करेंगे। और जैसे मुझे एक कैश सेगमेंट की एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो जैसे मुझे आइडिया की स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आइडिया लिखूँगा, तो यहाँ पे मुझे आइडिया की स्क्रिप्ट दिख जाएगी। और मुझे अभी इसमें कैश सेगमेंट का सेलेक्ट करना है स्क्रिप्ट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ऊपर वाले NSCEQ में क्लिक कर दूँगा, ऐड में क्लिक करूँगा, तो मेरी स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा तो स्क्रिप्ट रिमूव हो जाएगी, और ऐड करूँगा तो स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। सिंपल सा मुझे बैक जाना है और मुझे देखना है, तो ये मेरी स्क्रिप्ट जो है ऐड हो चुकी है। अब मान लीजिए मुझे कोई बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो जितने का भी आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेना है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस डायरेक्ट आप इस सर्च वाले में जाएंगे और यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मान लीजिए मुझे जानना है 38,300 का कॉल ऑप्शन लेना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिख जाएगी, 38,300 का CE दिख रहा है, 38,300 का PE दिख रहा है, इनकी सबकी एक्सपायरी 13 जनवरी की है। फिर नीचे भी आपको CE PE दिख रहा है ना, अलग एक्सपायरी। तो जो भी स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी है, तो सिंपल सा आप ऐड में क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। बैक जाके आप देखेंगे तो आपको स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड मिलेगी। अब मान लीजिए मुझे कोई फ्यूचर की एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है, फ्यूचर सेगमेंट की। लेट सपोज SBI का फ्यूचर मुझे यहाँ पे अपना ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा SBIN सेलेक्ट करूँगा, और ये कैश रहा और ये रहा फ्यूचर एंड ऑप्शन। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे 27 जनवरी की एक्सपायरी है 2022 की, और फ्यूचर का है। तो सिंपल सा ऐड में क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से बैक आके आप देख सकते हैं। तो ये थर्ड नंबर पे SBI का फ्यूचर वाला आपका स्क्रिप्ट ऐड हो चुका है। लेट सपोज़ मुझे इसको, अगर कोई स्क्रिप्ट इससे डिलीट करनी है, तो सिंपल सा क्या करूँगा, मैं राइट स्वाइप क्लिक करूँगा तो डिलीट का ऑप्शन दिखेगा मुझे, तो डिलीट में अगर मैं क्लिक करूँगा तो स्क्रिप्ट मेरी डिलीट हो जाएगी। मुझे कोई कमोडिटी की स्क्रिप्ट ऐड करनी है, जैसे मुझे ऐड करना है एक गोल्ड गोल्ड की स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो सिंपल सा मैं इसमें गोल्ड डालूँगा, गोल्ड लिख दूँगा। तो गोल्ड लिखने के बाद कुछ इस तरह का आपको तीन चीज़ें दिखेंगी, ऑल कैश कमोडिटी। कमोडिटी में सिंपल सा मैं सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड एक पेटल होता है, एक मिनी होता है और एक मेगा होता है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर जैसे मान लीजिए मिनी वाला लेना है, मिली वाला लॉट, तो मिनी का ले सकते हैं, और मेगा वाला लेना है तो मेगा वाला ले सकते हैं। तो मैं गोल्ड मेगा का यहाँ पे क्या करूँगा कि स्क्रिप्ट ऐड करूँगा, 4 फरवरी की इसके एक्सपायरी है, 4 फरवरी 2022 की, ऐड में क्लिक कर दूँगा तो मेरी स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सिंपल सा बैक जाएंगे और देखेंगे तो ये आपको स्क्रिप्ट यहाँ पे गोल्ड की दिख जाएगी। तो इस तरह से आप कैश फ्यूचर और कमोडिटी की स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, साथ ही बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डार्क स्क्रीन पसंद नहीं आ रही है, तो आप सिंपल सा इसको चेंज कर सकते हैं। मेनू पे जाएंगे, सबसे नीचे सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद ये जो नाइट थीम की बटन दिख रही है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा से इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप नाइट मोड अनेबल रखना चाहते हैं तो इसको अनेबल कर लीजिए। तो इस तरह से आप प्रॉफिट मार्ट एप्लीकेशन में वॉचलिस्ट ऐड कर सकते हैं,
और स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।